नहीं नहीं दिक्कत हो रही थी। तनिको गुड़ बिना दवाई खाते थे तभी भी गुड़ तक नीचे पड़ नहीं रहे। किसी भी तरह डंडे के सहारे, डंडे के सहारे कैसे कैसे बड़ी तकलीफ से मैं अपना क्रिया कर्म और कर लेती थी। 15-20 सालों से दवा किया, दवा तो मैंने आपसे कहते दीनदयाल हॉस्पिटल, कपिल चौरा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बीएसयू हॉस्पिटल, यहाँ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल सैदपुर गाजीपुर सब छान चुका, कहीं बाकी नहीं था मेरे। मैं परेशान होकर के मैं जिस प्रभु को खोज रहा। आपके कितना दिन हुआ प्रभु के पास आते? हमारा नाम आशा पांडे, नाम आशा पांडे है। घर पहाई पहाई घर पहाई पहाई। अरे ये तकलीफ आपको नहीं गई, आपकी तकलीफ गई नहीं? दवा तो हमने एक महीने से आज क्या हुआ आपके साथ? आज हमको बहुत आराम मिला है, आप अब चल पा रहे हैं? अब इतना मैंने धोकर चला है, बिल्कुल ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। यवान बता रहे हैं कि आज 20 सालों से इनको यह तकलीफ थी कि ये चल नहीं पा रही थी। काफी दवा किया, काफी इलाज किया, अपने जाने में नामी जितने भी हॉस्पिटल हैं इन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन कोई दवा इनके लिए काम नहीं की। कितना भी दवा खाती थी फिर भी अपने पैरों के बल ये चल नहीं पाती थी। कोई सहारा लेकर थोड़ा बहुत कदम आगे बढ़ता था, ये अपना क्रिया कर्म भी नहीं कर पा रही थी और 20 सालों से तकलीफ थी, ये तकलीफ इनको सता रही थी। लेकिन ये मान बता रहे कि आज मैं जो है कि इतना काफी पीड़ित थी कि मुझे चलने की शक्ति नहीं थी, मेरे शरीर के अंदर ताकत भी नहीं थी, इतनी हालात मेरी बिगड़ गई थी। आज तक आज के समय की बात बता रहे कि ऐसी हालात थी। लेकिन ये मान बता रही है कि अभी क्या हुआ, जो 3 बार की आज्ञा दी गई परमेश्वर ने, इनके अंदर जितने भी दर्द पीड़ा थे, जितनी कमजोरियां थी, सारी दर्द सारी पीड़ा सारी कमजोरियों को बाहर किया 3 बार की आज्ञाओं में। और ये मान बता रहे हैं कि जो मैं चल नहीं सकती थी, कोई कोई लाठी के सहारे चलना पड़ता था तो थोड़ा बहुत कदम आगे बढ़ता था। लेकिन आज क्या हुआ कि प्रभु ने इनके शरीर को स्पर्श किया और इनके लाठियों को बाहर फेंका और इनके हाथ हाथ और पैर में ताकत भर दिया। आप जरा चल के दिखाओ, थोड़ा चल के दिखाइए, चलिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, उधर चलिए, इधर किनारे किनारे चलिए, चलिए। इस तरह नहीं चल पाते थे? नहीं, कंधे के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे बेटा, प्रभु मैं नहीं चल पाता था, थोड़ा थोड़ा आगे चलिए, क्योंकि प्रभु आपके पैरों में जान भर रहा है, जान भर रहा है। हालेलुया दर्द नहीं हो रहा है? नहीं प्रभु, इस विधि में दर्द हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप चल भी पा रही है? चल भी पा रही है, नहीं चल पा रही थी। नहीं बेटा, अब तनिको नहीं चल पा रहे हैं। आपको किसने चंगा किया? यीशु जी ने, यीशु जी ने चंगा किया, चंगा किया है। आपको विश्वास है कि उसी ने चंगा किया? कितना मंदिर, कितना मस्जिद, मैं बहुत शिव जी का भक्त थी और
लेकिन जो कि अब बहुत जो कि उपाय की कोई भी आराम नहीं हुआ। मैंने आज जो है कि आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपको अचानक चंगा कर दिया। अचानक पांचवा बार प्रभु हमको चंगा किया। आज वहाँ ये भगवान बता रहे कि आज पांचवा दिन है, हालेलुया। भगवान बता रहे कि आज पांचवा दिन है, पांचवे दिन अभी क्या हुआ, जो तीन बार मैंने आज्ञा दिया, तीन बार की आज्ञा में इन्हें प्रभु स्पर्श किया, जो हड्डियां बिल्कुल कमजोर थी, जो खड़ा होने की ताकत नहीं थी, यवन 20 सालों से खड़ा नहीं हो पा रहे थे, 20 सालों से खड़ा होकर चल नहीं पाते थे, कोई लाठी लेकर खड़ा करता था तो लाठी के सहारे एक या दो कदम आगे बढ़ते थे और वो भी नहीं कर पाती थी। यवन बता रहे कि मैं 20 सालों से तरस रही थी चलने के लिए, लेकिन आज आज प्रभु ने इनके पैर के हड्डियों को मजबूत किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबसे आज पूछ रहा हूँ, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आज प्रभु ने इनके मरते हुए जीवन को बदला। ये क्या कर रहे थे, चारपाई पे लेके लेके अमल बता रहे कि पेशाब में टट्टी पेशाब लेके लेके करती थी, ऐसा ही होता था, ऐसे ही पेशाब कर देती थी। और चला बैठे हमारा आदमी रहता था, बल्टी का पानी रख देता था, गदल था, तो इसी पर पेशाब करो भवा देंगे। ये भगवान बता रहे कि इनके पति क्या करते थे कि चारपाई पे ये सोई रहती थी, इनके पति जो है कि बाल्टी का पानी इनके चारपाई के पास रख देते थे और कहते थे कि तू ये चारपाई पे करती पेशाब कर, क्योंकि मैं बाल्टी के पानी से बहा दूंगा। और ऐसा ही होता था, अपना क्रियाक्रम भी नहीं कर पाते थे, जो कि या चारपाई पे सोई रहती थी, सोते सोते क्रियाक्रम करती थी। लेकिन आज आज जो प्रभु ने जो कहता है मैं तुझे नया जीवन दे रहा हूँ, आज प्रभु ने इनको नया जीवन दिया है। ये मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ, यह वाहन जो कभी चल नहीं पाती थी, आज यीशु ने इनको दौड़ा दिया है, इनको चला दिया है। अब बताओ, यीशु ने किधर इनका जीवन जो कि जाति बदल दिया, किधर धर्म बदल दिया। लोग कहते हैं कि यीशु के पास जाने वाले जाति धर्म बदलते हैं, आप बताओ, यीशु मसीह ने इनको चंगा कर दिया और ये यीशु मसीह पे विश्वास कर रही है, तो आप बताओ, आकर यीशु मसीह ने कहा तू अपना जाकर जाति बदल ले, आपने कहा है नहीं। हमारे यहाँ बहुत सब लोग बोली बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सब लोग बोली बोलते हैं कि यहाँ धर्म बदल दी जाति बदल। अब बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि प्रभु ने इनके मरते हुए जीवन को बदल दिया है, जो यवन चारपाई पे सोकर सड़ रही थी, आज प्रभु ने इनको खड़ा करके दौड़ा दिया है, दौड़ा दिया है। अब बताओ कि वह अनंत जीवन देने वाला वह जीवन देता है या जाति बदलता है। आप अपने आप में सामने देखो, यह वही बाल है जो 20 सालों से चारपाई पे सड़ रही थी, आज किसी भी तरह ना कलेशिया के अंदर आई, और प्रभु ने अभी एक क्षण में यह 20 सालों से दवा कर रही थी, लेकिन कोई दवा जो है इसे खड़ा नहीं कर पाई, कोई दवा इसे जवाब फिरा नहीं पाई, लेकिन यीशु मसीह की एक ऐसी दवा इसके अंदर समाई, एक क्षण में यीशु मसीह जो स्वर्ग से दवा दिया, जिस दवा को कोई देख नहीं सकता, जिस दवा को कोई देख नहीं सकता, यीशु मसीह ने तुरंत इनके शरीर को छुआ, एक सेकंड में जो हड्डियां कमजोर थी वो बिल्कुल मजबूत हो गई। चलिए फिर से